गुड मॉर्निंग सर, क्या सहायता करूं? मैंने इसे एक हफ्ते पहले खरीदा था और कल मेरी पत्नी ने इसे चेक किया। इसकी सिलाई देखिए, ये ठीक नहीं है, मुझे ये वापस करना है। बिल्कुल सर, क्या आपकी रिसीट देख सकता हूँ? एक मिनट मुझे देखने दीजिए। सर अगर आप बुरा ना माने तो आप इस तरफ आ जाएंगे प्लीज, पीछे लाइन में ग्राहक हैं जिन्हें पेमेंट करना है। तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, मैं अभी आपकी सहायता के लिए किसी को बुलाता हूँ। विनोद, आप इनकी मदद करेंगे प्लीज? यस सर, मैं आपकी क्या मदद करूँ? मैं ये टॉप वापस करना चाहता हूँ, इसकी सिलाई ठीक नहीं है। जरूर सर, सर आप इसकी रसीद दे सकते हैं? उसी को तो मैं ढूंढ रहा था। आपका क्या मतलब, मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सर, मुझे विश्वास है ये टॉप आपने यहीं से खरीदा, लेकिन ये स्टोर की पॉलिसी है कि कपड़ा वापस करते समय ग्राहक के पास रसीद हमेशा होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपसे रसीद के लिए पूछा। ओह, मुझे मिल गई, ये लीजिए। धन्यवाद सर। सर मैं बस अभी आता हूँ। सर अगर आप बुरा ना माने तो आप इस तरफ आ जाएंगे प्लीज। सर आपकी रसीद पर स्टैंप लगा दिया है, आप इस प्रोडक्ट के बदले कुछ भी खरीद सकते हैं। ओ, और उसके लिए मुझे और पैसे नहीं देने होंगे? सर अगर आप 450 रुपए का कुछ लेते हैं जो आप पे कर चुके हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, हमारे स्टोर की एक्सचेंज पॉलिसी यही है सर। ओ थैंक यू। नो प्रॉब्लम सर, अगर आपको और कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, या आप हमारे कस्टमर केयर काउंटर पर भी जा सकते हैं। ओके थैंक यू। वेलकम सर। बहुत अच्छे विनोद, मुझे खुशी है कि शिकायत को दूर करने का बुनियादी नियम तुम्हें याद है, ग्राहक से कभी बहस मत करो। हाँ, इससे ग्राहक को अच्छी तरह संभालने में मुझे मदद मिली। उसकी शिकायत सुनते समय क्या मैं काफी विनम्र रहा ना? बिल्कुल, वाकई सही विनोद। ग्राहक को इस बात का एहसास दिलाना जरूरी है कि उसकी बात सुनी जा रही है। पिछली बार की तरह ये ग्राहक भी हमारी सर्विस से खुश नहीं था, लेकिन वो खुश तब हुआ जब हमने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसी की शिकायत को दूर करने की कोशिश की, जिसमें स्टोर की एक्सचेंज पॉलिसी ने मदद की। अगर किसी शिकायत को ढंग से संभाल लें तो हम ग्राहक को संतुष्ट और स्टोर के प्रति वफादार बनाते हैं, क्योंकि वो स्टोर से निकलता है खुश होकर। राइट।